सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रम के बिग झूमर का एक बहुत ही सुंदर और एक यूनिक डिजाइन में झूमर का डिजाइन बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ईजी होगा बनाने में। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी इजी तरीके से मैंने इसको बताया है। आप इस झूमर को जरूर ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सारे वीडियोस को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। इस झूमर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डीप पिंक कलर का मैक्रम लिया है। आप कोई भी कलर, सिंगल कलर का मैक्रम ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चार अलग अलग साइज का रिंग लिया है। पहला यहाँ पे 2.5 इंच का रिंग है, जो कि एक पीस चाहिए। ये 5 इंच या 6 इंच का रिंग है और ये मुझे यहाँ पे एक पीस चाहिए। यहाँ पे दो रिंग है, 7 इंच या 8 इंच, और यहाँ पे ये दो पीस चाहिए। और यहाँ पे 10 इंच का रिंग है, ये हमको दो पीस चाहिए। इसमें आप 10 इंच या 9 इंच या 9.5 इंच भी चल सकता है। तो और मैंने दो कलर का बीड्स लिया है, दो कलर का बेल्स चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप होगा यहाँ 2.5 इंच का रिंग लेंगे और उसमें मैंने यहाँ पे 10 कॉर्ड कट किया है और सारे कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 3-3 मीटर में कट किया है। अब 10 कॉर्ड को हम यहाँ पे 2.5 इंच के रिंग में बीच का जो हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे, इसमें अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 60 से 80 सेंटीमीटर का एक कॉर्ड लेंगे और इससे हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट लगा लेते हैं हल्के हाथों से। 5 टाइम्स लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स नॉट लगा लिया है और उसके बाद मैंने कॉर्ड को कट कर यहाँ स्टिक कर लिया। और अब हम यहाँ पे सारे कॉर्ड को 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ खींच लिया है। अब 2 कॉर्ड ऊपर का और 2 कॉर्ड नीचे से लेंगे और ऊपर के 2 कॉर्ड में हम यहाँ पे 3 से 4 मोती ले लेते हैं। मोती लगा लेंगे, पहले एक मोती यहाँ, पहले एक मोती ऊपर कर नॉट लगा लेंगे। दो नॉट लगा लेंगे, फिर एक मोती ऊपर करेंगे, फिर एक मोती ऊपर करेंगे और इससे भी यहाँ पे हम 2 नॉट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बीट्स, 2 नॉट, 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 इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स नॉट, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स मैंने यहाँ पे बीट्स लगा करके ये एक लाइन कंप्लीट किया है। ऐसे ही यहाँ पे 5 लाइन बनेगा, 2 कॉर्ड ऊपर से और 2 कॉर्ड नीचे से लेकर के सेम यही प्रोसेस के साथ एक लाइन में
दो कॉर्ड लेंगे, पांच मोती डाल करके ऐसे नॉट बीड्स लगा करके ये पांचों लाइन बनाकर हम यहाँ पे इस डिजाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 लाइन बना करके तैयार किया है। अब हम इसके बाद यहाँ पे 6 इंच या 5 इंच का जो आपके पास रिंग होगा उसको हम इससे पाइपिंग करेंगे। सारे कॉर्ड को हम बीच से निकाल लेते हैं, कॉर्ड रिंग को हम इस तरह से रखेंगे। एक पट्टी लेंगे, इसका 4 कॉर्ड लेंगे और इसको हम डबल पाइपिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पांचों कॉलम को 6 इंच के रिंग में अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे 2 कॉलम के बीच में जो रिंग खाली है, 2 कॉलम के बीच में जो यहाँ रिंग खाली है, उस बीच में हम एक कॉलम में हम 4 कॉर्ड अटैच करेंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे 20 कॉर्ड को कट किया है और सारे कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 2-2 मीटर में कट किया है। हो सकता है बाद में और कम लगेगा तो हम एक्स्ट्रा कॉर्ड अटैच कर लेंगे। 2 लाइन के बीच में हम यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा कॉर्ड को अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड को यहाँ पे 2-2 मीटर में कट करके और 2 कॉलम के बीच 4-4 कॉर्ड अटैच करके इस तरह से 20 कॉर्ड को मैंने 6 इंच के रिंग में पूरे में अटैच किया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीड्स लगाएंगे। तो यहाँ से जो 4 कॉर्ड आया हुआ है उसको हमने पाइपिंग किया है। तो सेंटर के 2 कॉर्ड में हम एक मोती लगा लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ एक नॉट लगा लेंगे। सेंटर के 2 कॉर्ड में बीड्स लगा करके और नॉट लगा लेंगे। पूरे में हम ऐसे ही करेंगे, 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में मोती लगा करके और नॉट लगाते जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ पे 4 कॉर्ड को लेकर नॉट लगाया बीड्स लगा करके, ऐसे ही हम एक लाइन बना के पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से एक लाइन मैंने ऊपर का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड लाइन भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 2 नॉट के बीच का 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में एक बीड्स लगा करके नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम सेकेंड लाइन भी, सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 2 लाइन जो है वो बिल्कुल पूरा बन करके तैयार है। अब हम यहाँ पे नीचे में इसको हम 8 इंच के रिंग में, इसके बाद ये 6 इंच है और यहाँ पे 8 इंच के रिंग में इसको अटैच करेंगे। तो उसको अटैच करने के लिए हम यहाँ पे स्पाइरल नॉट लगाएंगे 25 टाइम्स। हम यहाँ पे सिंपल स्क्वायर नॉट के जगह पे स्पाइरल लूप्स लगाएंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह से हम इसको आगे करते जाएंगे और 25 टाइम्स ऐसे ही बना करके डिजाइन को एक समान हाइट पे कंप्लीट करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिए कि आप जो स्पाइरल मूव्स लगाइएगा तो वो सभी स्पाइरल मूव्स जो है वो एक समान हाइट पे हो, उसको आप इस तरह से एडजस्ट करना है, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा और झूमर टेढ़ा बनेगा। तो इस तरह से मैंने ये 3 कॉलम इसी तरह से एक समान हाइट पे तैयार किया। इसी तरह से हम पूरे झूमर में ऐसा ही स्पाइरल मूव्स लगा करके इस डिजाइन को तैयार कर लेंगे।
फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे में चारों तरफ 25 टाइम्स स्पाइरल मूव्स लगा करके यहाँ पे ये डिजाइन को तैयार किया है। अब हम सारे कॉर्ड को 8 इंच के रिंग में अटैच करेंगे। तो इसके लिए 8 इंच का रिंग लेंगे और इसके ऊपर सारे कॉर्ड को हम इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे कॉर्ड को 8 इंच के रिंग में अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सारे कॉर्ड को 6 इंच के जो कॉर्ड है और यहाँ पे मैंने 25 टाइम्स नॉट लगा करके और इसको 8 इंच के रिंग में अटैच कर लिया। अब उसके सामने मैंने इसको अच्छे से अरेंज कर लिया है और उसके बगल में थोड़ा सा जगह खाली है तो उसमें हम एक कॉर्ड लगाएंगे। यहाँ 15 ब्लॉक है तो यहाँ पे हम 16 कॉर्ड लेंगे और 16 कॉर्ड को मैंने यहाँ पे 90 सेंटीमीटर में कट किया है या 1 मीटर में, और किसी एक दो कॉलम के बीच में, किसी एक कॉलम में हम 2 कॉर्ड अटैच करेंगे और बाकी सब जगह हम एक एक कॉर्ड अटैच करेंगे। एक कॉर्ड अटैच और किसी एक कॉलम में हम यहाँ पे 2 कॉर्ड अटैच कर लेते हैं। किसी एक कॉलम में 2 कॉर्ड और बाकी अब सारे कॉलम में हम यहाँ पे एक एक कॉर्ड डबल अटैच करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 8 इंच के रिंग में सारे कॉर्ड को अटैच करके 2 कॉलम के बीच में एक कॉर्ड फंसाया है और किसी एक कॉलम में 2 कॉर्ड मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में हम बीट्स लगाएंगे और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये एक लाइन पूरे में कंप्लीट कर लिया 8 इंच के रिंग में। अब हम सेकेंड लाइन भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 नॉट के बीच का 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर में एक मोती लगा करके नॉट लगा लेंगे। इसको हम पूरे में बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड लाइन भी बना के मैंने पूरे में कंप्लीट कर लिया। इसी तरह से हम 5 लाइन बनाएंगे। अब 3rd लाइन हम यहाँ बना रहे हैं तो 3rd लाइन में से हम 2 नॉट के बीच में एक बीट्स लगा करके और इसमें हम नॉट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3rd लाइन कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से हम 5 लाइन इतना हाइट तक बना करके इस डिजाइन को ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 8 इंच के रिंग में जो सारे कॉर्ड को अटैच किया था उसके बाद मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन तैयार लगा करके इतना दूर डिजाइन तैयार किया, पूरा फुल बीड्स से लगा हुआ। और अब हम ये सारे कॉर्ड को 10 इंच का जो रिंग है उसमें पाइपिंग कर लेंगे। सारे कॉर्ड को डबल पाइपिंग करना है।
फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे 8 इंच के रिंग में मैंने 1, 2, 3, 4, 5 लाइंस लगा करके और फिर इसको 10 इंच के रिंग में अटैच कर लिया है। अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि हम ना एक कॉर्ड लेंगे और उसमें हम 3-3 मोती लगाएंगे, 2 कॉर्ड लेंगे 3-3 मोती लगाएंगे प्रत्येक कॉर्ड में, 3 मोती लगाएंगे क्योंकि इससे मोती नीचे गिर जाएगा। तो अब हम 3 मोती लगाते जाएंगे और इसको हम पाइपिंग करते जाएंगे। 10 इंच का एक दूसरा रिंग लेंगे और उसमें हम इस तरह से इसको पाइपिंग करते जाएंगे। अब सेम क्या करेंगे नेक्स्ट, दूसरा 2 कॉर्ड लेंगे और उसमें भी हम 3 मोती लगा लेंगे इस तरह से और उसको हम पाइपिंग करते जाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरे में 3-3 बीट्स लगा करके और इस तरह से डिजाइन को कंप्लीट किया है। अब यहाँ 10 इंच का रिंग है। अब इसमें हम सेम जैसे हम मैंने यहाँ पर डिजाइन 5 लाइन बनाया है, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी 5 लाइन डिजाइन बनाएंगे। इसके लिए 4 कॉर्ड लेंगे और सेंटर के 2 कॉर्ड में हम एक मोती लगा करके नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये एक लाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हम 2 कॉर्ड के बीच में एक मोती लगा करके दूसरा लाइन भी कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड लाइन भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 2 नॉट के बीच में एक मोती लगाते हुए। इस तरह से हम इसको थर्ड लाइन कंप्लीट करेंगे और हल्के हाथ से हम यहाँ पे नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे 5 लाइन बना करके, जैसे हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन बनाए, सेम ऐसे ही 5 लाइन बना करके यहाँ पर भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 10 इंच के जो रिंग में सारा कॉर्ड जो अटैच था उसको मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लाइन बना करके कंप्लीट किया, पूरा बीट्स है। अब हम 8 इंच का रिंग लेंगे और उसमें सारे कॉर्ड को हम डबल पाइपिंग कर अटैच कर लेते हैं जैसा हमने ऊपर किया था। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने 8 इंच के रिंग में सारे कॉर्ड को 5 टाइम्स यहाँ पे बीट्स लगा करके 8 इंच के रिंग में सारे कॉर्ड को पाइपिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पे अब इसको फिनिश करेंगे। तो इसके लिए हम कॉर्ड कट करेंगे। तो दो पोजीशन से हम कोई 2 कॉर्ड लेंगे और इसको इस तरह से कट लगा लेंगे। फिर अब इसे थोड़ा सा बड़ा सा
तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कॉर्ड को मैंने इस तरह से छोटे से बड़े में करते करते मैंने पूरे कॉर्ड को कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे दो एक समान का जो कॉर्ड हमने कट किया था उसमें हम एक मोती लगाएंगे। मोती लगाना ये एडिशनल है, आप चाहें तो मोती लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम छोटे से बड़े में बेल्स लगा लेंगे और पूरे में हम ऐसे ही पूरे कॉर्ड में हम ऐसे ही बेल्स लगा लेते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे लास्ट स्टेप होगा ऊपर का जो ये 2.5 इंच का रिंग है उसको कवर करना। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर का एक कॉर्ड लिया है और उसके किसी एक कोने को हम इस तरह से मेल्ट कर और ऊपर में चिपका लेंगे। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक बार रिंग के ऊपर से कॉर्ड निकालेंगे और एक बार रिंग के नीचे से। बहुत इजी है, हल्के हाथों से खींचेंगे, एक बार रिंग के ऊपर से फिर रिंग के नीचे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस झूमर बिग झूमर को बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी तरीके से बताया है, जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और बनाने का तरीका पसंद आए तो जरूर मेरे सारे वीडियोस को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।